आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय रामगोपाल जी, माननीय आजम खान जी, माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी, माननीय शिवपाल सिंह जी, आदरणीय जया बच्चन जी, मुख्यमंत्री जी व मंच में मौजूद सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ पे उपस्थित सभी राष्ट्र प्रतिनिधि का मैं स्वागत करती हूँ। सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और जो भी समाजवादी पार्टी ने वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। इसीलिए मैं नेताजी को बहुत बधाई देती हूँ और सीएम साहब को भी बहुत बधाई देती हूँ कि जो वादे किए गए थे वो समाजवादी पार्टी ने पूरे किए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़क पर, मंडी पर, रोजगार के क्षेत्रों पर और स्वास्थ्य पर बहुत ठोस कदम उठाए हैं और पूरे प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। प्रदेश में भ्रूण हत्या, माँ का स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य, कुपोषण, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता आई है। मैं चाहूंगी कि सरकार के माध्यम से और संगठन के स्तर पर भी इन क्षेत्रों पर काम किया जाए। सपा की सरकार के 2 साल के प्रयासों से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर IMR और MMR में गिरावट आई है। इसकी तारीफ बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन ने की है और WHO से भी इसके हमें पुरस्कार किया मिला है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, परंतु गरीबी, कुपोषण के कारण हमारे देश के बच्चों की परवरिश संपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही है। मुझे भरोसा है कि सरकार बच्चों में कुपोषण, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और जिसे गंभीरता से लेते हुए इस क्षेत्र में सरकार काम करेगी। 1090 ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। हमें लगभग 2.5 लाख महिलाओं और बहनों को अपनी समस्याओं से रुझान मिला है, उनकी समस्याओं को सुलझाया गया है। इसी सराहनीय कार्य के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, जो कदम उठाए गए हैं जिनमें लैपटॉप स्कीम, जिसमें उन्हें डिजिटल हाईवे से जोड़ने का काम किया है, कन्या विद्याधन, पढ़े बेटी बढ़े बेटी, वजीफा देने का काम और समाजवादी पेंशन में महिलाओं की भागीदारी, विधवाओं को सम्मिलित करने का काम किया गया है जिसमें लगभग 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इन सभी कार्यों के लिए समाजवादी पार्टी को और समाजवादी सरकार को बधाई देती हूँ। मुझे भरोसा है कि जिस तरह यूपी में समाजवादी पार्टी तथा ने काम किया है, उसी तरह देश के अन्य प्रदेशों में भी पार्टी अपना संगठन बहुत मजबूत करेगी और जैसे समाजवादी पार्टी ने जो जनता की जो कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में अपना एक नेटवर्क स्थापित करेगी और लोगों के लिए काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना ये भाषण खत्म करती हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये हम सभी का दायित्व है कि सरकार की उपलब्धियों को और पार्टी की जो हमारी नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाएं, जनता तक पहुँचाएं, जिसमें हम सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं नेताजी को बधाई देती हूँ चुनने जाने के लिए एक बार फिर से और मैं आप सभी को बधाई देती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के लिए। धन्यवाद। अब ये